नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर बंदिश राजनीतिक घमासान की वजह बन गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमक हराम कहते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। तो उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर। मनोज तिवारी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ पूजा नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा कर अपने लोगों से करवाएंगे तो बताएं 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइन देकर फॉलो की जा रही है। दूसरी तरफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश आज सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर उप राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखेंगे और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और पूजा को निश्चित करने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे। जयप्रकाश ने बुधवार को कहा था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग राजधानी में रहते हैं और छठ उनका सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध के मामले में वो इसे जरूर मनाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 1200 छठ घाट हैं। यहाँ पर हर साल भक्त छठ पूजा करते हैं और छठ मनाते हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए नदी के तटों, मंदिरों, घाटों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे छठ पूजा के सामुदायिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा था कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने ही छठ पूजा के उत्सव को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन वही भाजपा अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है और केजरीवाल सरकार को जश्न की अनुमति नहीं देने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बार सभी छठ घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है। तो छठ को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान जारी है। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।